अब एक यूनिक फाइलम है हम लोगों के पास, दैट इज एसक्यूएल मेथड्स। देखिए ये सब के सब राउंड वर्ब्स है। क्या है ये? राउंड वर्ब्स। अब देखिए इसका फीचर कैसे याद करते हैं। ये तो अलग ही है, यूनिक ही है। ये देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस एस्केरिस को, एस्केरिस है ये, और अर्थवर्म में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलेंगे आप? अर्थवर्म में आपने देखा होगा, जब मैं सेगमेंटेशन पढ़ा रही थी तो बॉडी के बाहर सेगमेंट्स थे, ध्यान दिया था आपने? यस मैम। इसमें है क्या? नो मैम। तो इसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है। दूसरी बात, इसका जब क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हम लोगों को इसका बॉडी सिलिंड्रिकल दिखता है, तो जिसकी वजह से हमने इनको राउंड वर्म्स बोल रखा है। राउंड वर्ड्स। बॉडी सिमेट्री कैसी नजर आ रही थी आपको एस्केरिस में? बायलैटरल हाँ ठीक है, वेरी गुड। एस्केल विथस आर कवली बोर एज राउंड वर्ड्स बिकॉज क्रॉस सेक्शन पोजेस सर्कुलर अपीयरेंस। सिमेट्री दिख ही रहा है आपको, बायलेटरल। सबसे अलग पॉइंट जिसका स्यूडो सिलोम है, सीडो सिलोम जो है इसमें प्रेजेंट होगा। पोजेस स्यूडो सिलोम क्या मतलब सिखाया था मैंने आपको इसका? देखिए बॉडी लैक ट्रू सिलो बट सब पाउचेज होजेज द अपियरेंस ऑफ सिलो
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ये? यस मैम। आप देखिए एक चीज समझेंगे यहाँ पे, ये जो है ये ऐसे ना गट के अंदर भी खुद को सरवाइव करा सकता है। तो बोलने का मतलब है कि हम पैरासिटिक बोलेंगे इसको। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सारे फॉर्म्स इसके पैरासिटिक होंगे? तो नहीं, कुछ फॉर्म पैरासिटिक होंगे, कुछ फ्री लिविंग होंगे, मतलब अकेला भी सरवाइव कर सकेगा। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। दे दे भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फिर आएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ऑर्गन सिस्टम, एलिमेंटरी केराल, अब कंप्लीट हो जाएगा विद अ वेल डेवलप्ड। इसके पास भी फैरिक्स है, फैरिक्स एक्सक्रीशन अकर्स बाय अ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ट्यूब। अभी कंप्लीट बोला है हमने। Sexes are separate, अलग अलग होगा, इतनी एडवांसमेंट है इसके। डायोशियस अगर अभी भी समझ नहीं आए, यूरिसेक्शुअल। इसका स्क्रीनशॉट हो गया ही। आगे देखिए, इसके लिए हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब मेल और फीमेल को अलग अलग पहचान सकते हैं।
आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। Females are longer than males. Now we collect point fertilization internal. डेवलपमेंट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या आते हैं इसके? एग्जाम्पल्स आर, अभी अभी आपने देखा है स्केरिस, पहला स्केरिस ल्यूब्रिकॉइड्स, मुचरेरिया बाइकोराफ्टी, एंड साइक्लोस्ट्रोमा। एस्केरिस राउंड वर्म है, वर्म वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरियल वर्म है, फाइलेरिया कॉज करता है। और एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं। सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे, एक ये अलग हो जाएगा, ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट, और ये तो खैर जीनस ले भाई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले गए, अब देखिए ये जो अभी अभी आपने देखा, तो इसका, इस डिजीज का नाम है एस्केरियसिस। कौन कॉज करता है ये? एस्केरिस। एक लाइन लिख लीजिए इसके लिए, एस्केरिस कॉजेज एस्केरियसिस। इन एस्केरियसिस दिखिए आपको यहाँ पे एस्केरिस कैन ब्लॉक
इंटेस्टिनल पैसेज, तो उस केस में सर्जरी करनी पड़ती है। एस्केरिस कॉज इंटरनल ब्लीडिंग, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया ये? यस मैम।